हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटालॉक 25 mg टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बीटालॉक 25 mg टैबलेट जो कि एस्ट्राजेनिका इंडिया लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 109 रुपए है, जो कि इस टीम में 30 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं मीटोप्रोलोल टार्ट्रेट, और इधर को देखते हैं मीटोप्रोलोल टार्ट्रेट 25 mg। दोस्तों इस टैबलेट को कई सारी समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, ये एक एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है तब दी जाती है इस मेडिसिन को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120/80 रहती है, यदि इससे ज्यादा रीडिंग आए तब उस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती है, जो कि ये दवा नॉर्मल लेवल में ला देती है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या हो, जिसमें व्यक्ति के चेस्ट में लेफ्ट साइड दर्द होने लगता है, इसे हार्ट पेन भी कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी दी जाती है। नंबर 3, माइकोड्रियल इन्फेक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी दी जाती है। नंबर 4, हार्ट फेलियर की समस्या हो। नंबर 5, हार्ट रेट फास्ट हो गई हो, तो उसमें भी दी जाती है। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति थायराइड की मेडिसिन ले रहा हो तो इसके साथ भी दी जाती है इस टैबलेट को। नंबर 7, माइग्रेन पेशेंट को भी दी जाती है। तो दोस्तों इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में दी जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस दवा को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन देखकर डोज देते हैं कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, तो एमजी के हिसाब से डोज कैलकुलेशन करके देते हैं। तो सही खुराक आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि 1 टैबलेट लेना है, 2 टैबलेट लेना है, तो कंडीशन देखकर डोज देते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें। नंबर 1, अल्कोहल के साथ प्रयोग ना करें। नंबर 2, प्रेग्नेंट लेडी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बार दफा प्रयोग करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि थकान, चक्कर आना, हाथ पैर का ठंडा हो जाना, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का वीडियो बीटालॉक 25 mg टैबलेट के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।